सो हेलो गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सत्यम मोटो व्लॉग्स एंड हेयर बी बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ भाई ज़बरदस्त वीडियो जो कि बेस्ड ऑन स्प्लेंडर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया भाई बजट सेगमेंट बाइक है और लोगों की एकदम फेवरेट बाइक रही है स्टार्टिंग से, और हर एक बंदे की घर पे ना पहली बाइक यही रही होगी ऑलमोस्ट भाई, क्योंकि बहुत लेजेंड बाइक है हीरो की तरफ से। तो अभी मैं आ रखा हूँ हीरो के शोरूम, आप देख सकते हो हीरो शोरूम सुपर हीरो मोटर्स जो कि है चिनट में। इस शोरूम का पर्टिकुलर जो एड्रेस है वो मैं और कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको सारी बाइक्स मिल जाएंगी, हीरो की एक्सपल्स मिल जाएगी, ग्लैमर हो गया भाई, न्यू स्प्लेंडर हो गई, ये जो यहाँ पर खड़ी जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं अभी हम, इवन तो आपको पुराना वाला भी मॉडल मिल जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सट्रीम भाई मिल जाएगी, XMR मिल जाएगी और वहाँ पर एक्सट्रीम 125 भी मिल जाएगी। सारे मॉडल्स मतलब अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आज अपने पास आ रखी है भाई स्प्लेंडर कुछ नए अपडेट्स के साथ में, और काफ़ी ज़्यादा लोग यार इस बाइक को प्रेफर करते हैं लेना जस्ट बिकॉज कि ये बाइक एक ऐसी बाइक है जो बजट सेगमेंट में आती है, आपको बहुत अच्छा माइलेज यार देती है, प्लस इसकी सर्विस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी लो है, पॉकेट फ्रेंडली बाइक है और डेली कम्यूटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो ये बाइक भाई ऐसी है कि मतलब बहुत ज़्यादा, और रोड पे ना आपको मतलब 10 में से 6 से 7 बाइक्स ये दिखी जाएगी डेफिनेटली भाई, इतनी ट्रस्टेड बाइक है ये। सो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर अपने पास खड़ा है 2024 का हीरो का स्प्लेंडर प्लस मॉडल। ठीक है भाई, स्प्लेंडर प्लस है ये, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ XTEC 2.0 यानी कि जो अपडेटेड मॉडल है। इसमें कुछ मेजर अपडेट्स आए हैं वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इसमें आपको 2 नए कलर अपडेट्स मिलेंगे। ये है बेसिकली जो अपने पास लेफ्ट में खड़ी पुराना मॉडल, ये मैंने इसलिए खड़ा करा है जस्ट बिकॉज कि आपको यहाँ पर मैं बता सकूँ क्या क्या अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे नई वाली बाइक में। और बिसाइड दैट यहाँ पर जो आपको नया कलर अपडेट जो मिला है वो यहाँ पर, इस कलर का एक्जैक्टली मेरे को नाम नहीं पता, मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिख दूंगा, बाकी आप देख लीजिए। आई थिंक स्लेटी ग्रे और ब्लैक का मिक्सअप है, काफ़ी भाई बहुत सेक्सी कलर लग रहा है डैम यार। और साथ ही साथ में अगर पुराना वाला कलर देखोगे तो वहाँ पर आपको ब्लैक कलर मिलता था, शाइनियर ब्लैक विद द रेड टचअप्स। ठीक है भाई, और ये आपका फर्स्ट हो गया कलर अपडेट। सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हेडलाइट का जो कि विजिबल अपडेट्स हैं, अगर आप देखोगे तो पुराने वाले के हेडलाइट आप देखते हो यहाँ पर भाई सिंपल एक हेलोजन बल्ब के साथ आती है आप देख सकते हो, और आपको यहाँ पर एक छोटी सी DRL मिलती है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम नई वाली स्प्लेंडर प्लस की बात करते हैं, यहाँ पर जो आपको हेडलाइट मिल रही है वो सिंपल एकदम भाई सिंगल पीस में मिल रही है। DRLs इसमें देखिए साइड साइड में आपको दोनों साइड में मिलते हैं, फुल LED लाइट है भाई, आप देख सकते हो प्रोजेक्टर लैम्प यहाँ पर नहीं है, बस LEDs हैं। DRLs देख सकते हो, DRLs ग्लो कर रहे हैं, DRLs हमेशा ग्लो अप करते हैं, लाइट आपकी स्टार्ट करने पे ग्लो होती है। एक बार मैं स्टार्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको प्रॉपर भाई DRLs के साथ साथ में प्रॉपर LED लाइट्स का सेटअप मिलता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इंडिकेटर स्टिल्स आपको यहाँ पर वही मिलते हैं हेलोजन टाइप वाले, LED इंडिकेटर्स नहीं है, बट हाँ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर की शेप चेंज करी गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं लगभग आप देखोगे तो HF डीलक्स जैसे हैं, जो यहाँ पर HF डीलक्स खड़ी है, या फिर कह लो थोड़ा सा डिफरेंट शेप इनका दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम पुराने वाले इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कैसे बल्की टाइप्स के थे, आप इसमें देख सकते हो क्लियर है, थोड़ा सा बल्की और हैवी टाइप का था, बट यहाँ पर थोड़ा सा शेप काफ़ी सेक्सियर कर दिए, नॉट मच बट ठीक है, अच्छा है। सो गाइस यहाँ पर अगर हम थर्ड मेजर अपडेट की बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ की देखेंगे मिलेगी वो है आपके भाई यहाँ पर जो टॉगल करने के लिए बटन्स हैं उसका सबसे ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, सबसे मेजर थिंग। जस्ट बिकॉज अगर आप यहाँ पर प्रीवियस वाले कंट्रोल्स देखोगे, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वाले कंट्रोल्स आप देखोगे तो ये देखिए जो सेल्फ बटन है वो काफ़ी यार हल्का है, लो क्वालिटी बटन है। ठीक है, और यहाँ पर जो i3 स्मार्ट का ऑन ऑफ है ये भी काफ़ी रफ टाइप का है, और यार काफ़ी मतलब ना ऐसा प्रीमियम फील नहीं दे रहा, काफ़ी लो क्वालिटी फील दे रहा है, काफ़ी लूज टाइप का। यहाँ पर सिर्फ आपको ना हाई बीम का ऑप्शन मिलता था, लो बीम का इंडिकेटर का एंड हॉर्न का, बट वहीं पर अगर हम देखते हैं न्यू वाली स्प्लेंडर में तो यहाँ पर आपको भाई ये देखिए पास का ऑप्शन, हाई बीम लो बीम प्लस हैजार्ड इनबिल्ट दे रहे भाई, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको भी ऑन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये हमने हैजार्ड ऑन कर दिया है, तो आप देख सकते हो भाई फ्रंट के दोनों इंडिकेटर्स और बैक में भी दोनों इंडिकेटर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो इनबिल्ट हैजार्ड मिल जाता है, बाहर से मॉडिफिकेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहली बात भाई यहाँ पर आपके स्विच जो कंट्रोल्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी कर दी गई है, आप देख सकते हो टच करने पे भी काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है, इवन दो आपको इनबिल्ट हैजार्ड मिल रहा है। स्विचेस के शेप चेंज कर दिए हैं काफ़ी हद तक, आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, और ये काफ़ी आप कहोगे तो यार लाइक XMR और जो एक्सट्रीम है उससे इंस्पायर्ड है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। हॉर्न का साउंड सुना देता हूँ आपको एक बार में, ऐसा कुछ हॉर्न का साउंड है इसका। बाकी यहाँ पर जो मैंने बताया i3 स्मार्ट का स्विच यहाँ पर चेंज हो गया है, और सेल्फ का भी स्विच चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा डेफिनेटली यार मतलब फील दे रहा है, छूने में तो भाई प्रीमियम फील दे रहा है, नॉट प्रीमियम बट अच्छा दे रहा है फील भाई। फिर हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो उसमें भी कुछ अपडेट्स यहाँ पर आपको मिले, बताना मैं भूल गया था। वैसे जैसे आपको पता है कि ये बाइक है भाई स्प्लेंडर XTEC 2.0, ठीक है,
तो यहाँ पर बेसिकली आपको मिल जाता है स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें कि आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ में आपको ना यहाँ पर सारे जो भी कॉल्स मैसेज होंगे वो देखने को मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर साइड स्टैंड का देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपका हाई बीम है, इंजन का साइन है, ठीक है, एंड बैटरी का साइन है, न्यूट्रल फ्यूल का है, और साथ ही साथ में इंडिकेटर्स का हैजार्ड का भी साइन आपको देखने को मिल जाता है कि ऑन है ऑफ है। एंड यहाँ पर ट्रिप ए एंड ट्रिप बी, और ये आपका मेन स्पीड का ऑप्शन है कि आपकी कितनी स्पीड है, कितना बाइक कंटिन्यू चली है वो है, और आरपीएम भी इसी में आपको दिखाता है। ये आपका फ्यूल गेज लेवल है, एंड यहाँ पर आप लाइव माइलेज भी देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो थ्रू आप यहाँ पर मोड बटन से नेविगेट कर सकते हो, ऐसे चेंज कर सकते हो, लाइक ट्रिप ए ट्रिप बी एंड ओडो ट्रिप, एंड साथ ही साथ में आप माइलेज को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, लाइक आपका करंट माइलेज क्या दे रही बाइक। तो ये सारे अपडेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस बाइक में, और बाकी फ़ोन की कनेक्टिविटी तो आपको मिल ही जाती है। जो मेन अपडेट्स है बस मैं आपको वो बताऊंगा। लुक वाइज थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है इंडिकेटर्स एंड ऑल दैट, बैक साइड में थोड़ा सा मडगार्ड में मेरे को चेंज लग रहा है। अगर आप इन कंपेयर टू बैक पुराना मॉडल से देखते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा, यार थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ कर्व हुआ है हल्का, मतलब कुछ शेप एजाइल कर दिया, थोड़ा सा शार्प एज दे दिया है, और साथ में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है भाई। प्लास्टिक भी काफ़ी इंप्रूव्ड है, बट इन कंपेयर टू ओल्ड वन काफ़ी सिंपल एंड सोबर लग रहा है, ठीक है। अभी तक जो है स्प्लेंडर ना, मतलब हीरो वाले लोग भाई क्लेम नहीं करते थे कि स्प्लेंडर कितना माइलेज देगी, बट यहाँ पर इस वाले मॉडल के साथ में हीरो ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 गिव्स यू 73 KMPL माइलेज। तो ये जो है हीरो क्लेम कर रही है प्रॉपरली, इस चीज़ को लेके हम एक दिन माइलेज टेस्ट करेंगे, उसमें प्रॉपर पता चलेगा। फ्रंट में आपको भाई नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है भाई, और यहाँ पर भी बैक में आपको वही सेम शॉकर्स मिलते हैं, एंड बैक में भी आपको कोई डिस्क ब्रेक है ABS नहीं, यहाँ पर सिंपल आपको वही ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। कोई मेजर अपडेट नहीं भाई, काफ़ी सिंपल एंड सुपर कॉम्पैक्ट बाइक है, बहुत कुछ आपको खास देखने को मिलेगा। ये कुछ छोटे मोटे अपडेट थे। अब बिना किसी देरी के चलिए भाई अपनी जो नई वाली एक्सेक 2.0 हीरो स्प्लेंडर प्लस है इसको राइड करते हैं, और इसका रिव्यू देते हैं कि भाई चलाने में कैसा फील आउट कर रही है। यहाँ पर आपको ना एलिमेंट चार्जर मिल जाता है, आप देख सकते हो ये रहा, जो कि USB 3.0 के साथ मिलता है। आप जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा, और USB 3.0 यानी कि आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ में अगर इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ तो एक्स शोरूम इसकी प्राइसिंग आती है भाई 83,500 रुपीज़, बट ऑन रोड आ जाती है भाई ये बाइक आपको 93,000 के अप्रॉक्सीमेटली, बट ये प्राइस वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट। भाई ये बाइक ना यार इतनी प्यारी फील देती है, मतलब इतनी कॉम्पैक्ट भाई, इतनी यार बच्ची जैसी भाई, क्या बाइक है यार ये, डेफिनेटली यार, मतलब इसको चलाते ऐसा लगता है कि क्या बाइक चला रहा हूँ भाई मैं। ये मेरे को लेजेंड फील दे रही भाई, वो नहीं कहते पजावन वाली, ओहो एकदम गामा के हम देसी बालक भाई, वो वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा भाई, बाइक रिफाइंड फील हो रही है, ठीक है। चार गियर मिलते हैं इसमें, ज़्यादा गियर भी नहीं है, आप देख सकते हो ट्रिप ए दिखा रहा है वहाँ पर 1.1 किलोमीटर स्पीड 31 की दिखा रहा है, और फ्यूल दिखा रहा है कितना है, माइलेज आपको लाइव दिखा रहा है वहाँ पर 82 का, और अभी 82 दिखा रहा है जस्ट बिकॉज मैं आगे पीछे करके चला रहा हूँ, और ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर मैं जैसे अभी इधर पर चला रहा हूँ भाई, स्पीड चेंज करूँगा 81 का हो गया, ठीक है, 76 हो गया, ये वेरी करता रहेगा, जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊँगा 62 हो गया। तो ये एक रियल टाइम माइलेज है आपके पास कि आपकी बाइक रियल टाइम में कितना माइलेज दे रही है वो दिखाता रहेगा। अब जैसे लाइक मैं आप फोर्थ गियर पे 44 की स्पीड में चल रहा हूँ तो 62 का माइलेज दिखा रही है। वैसे हीरो जो है वो क्लेम आउट कर रही है कि ये जो हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 है ये बाइक आपको माइलेज देगी 73 का, ठीक है। बट अब इसका रियल टाइम माइलेज टेस्ट भी करेंगे, उसके लिए आप मेरे को कमेंट डाउन करके बोलिए कि भाई इसका माइलेज टेस्ट लेके आओ आप। अगर आप लोग के कमेंट हो जाएंगे, बस ज़्यादा नहीं, 100 कमेंट चाहिए मेरे को कि भैया इस बाइक का माइलेज टेस्ट लेके आओ, मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा, डैम श्योर। अभी देख रहे हो 100 का माइलेज भैया, 100 का माइलेज, अरे लॉर्ड स्प्लेंडर गुरु, 100 का माइलेज भैया, इससे मैं लद्दाख मार दूँ मैं सोच रहा हूँ, इस लेवल की बाइक है भाई ये। तो अब बाइक की भी थोड़ी बात कर लें तो बाइक भाई चलाने में बहुत बढ़िया है, पुल काफ़ी अच्छा भाई, फोर्थ गियर में 44 से एकदम 50 भाई 54, ओ माय गॉड, ये तो मेरी ड्यूक 390 की याद दिला दी, ओ शिट बे, भाई बाइक काफ़ी बढ़िया है, ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है। सिर्फ मैं अभी फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, आप देख सकते हो दोनों ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी ब्रेकिंग मिल जा रही है हमें, और पिकअप भी काफ़ी बढ़िया है इसमें, पिकअप ये देख रहे हो आप सेकंड गियर पे भाई कितना प्यारा पुल ले रही है। अब इस बाइक पे तो हम 0-100 करेंगे नहीं बिकॉज ये डेली कम्यूटिंग बाइक है। अब भाई हैंडलिंग मैनूवरिंग कितनी प्यारी है यार, आप देख सकते हो, ये देखो हैंडल कितना ईजिली, बाइक कितनी लाइट वेट फील हो रही है, मतलब बाइक में है ही क्या भाई, एक टैंक, एक इंजन, एक सीट, दैट्स इट इनफ भाई, इस बाइक में ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन इतनी प्यारी फील हो रही है ना चलाने में, बता नहीं सकता, बहुत प्यारी लग रही है चलाने में, खींचने में भी भाई बढ़िया है,
कहीं से लैग नहीं फील हो रही है पावर में, कि पावर बहुत कम है बाइक में। ओहो भाई साहब, बाइक डेफिनेटली भाई वर्थ इट है। अगर आप एक बजट सेगमेंट में बाइक ले रहे हो ना डेली कम्यूटिंग के लिए, तो बाइक बहुत बढ़िया बाइक है भाई, डेफिनेटली बहुत बढ़िया बाइक है। यहाँ पर देखो भाई, मैंने यहाँ पर भाई दोनों ब्रेक लगाई और कितना प्यारा है रुक रही है भाई, बाइक डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर एक बार एग्जॉस्ट नोट आपको मैं सुना देता हूँ, जिस जो मैंने आपसे बोला था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। तो बाइक ऐसा कुछ साउंड करती है, हालांकि इस बाइक में साउंड का इतना कुछ मैटर नहीं करता है, बिकॉज़ ये एक बाइक बहुत साइलेंट बाइक है भाई, ये सिर्फ आप डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ करोगे। यहाँ पर i3s स्मार्ट ऑन था, इसलिए बस क्लच पुल करते ही बाइक मेरी हो गई स्टार्ट विदाउट यूजिंग द सेल्फ, और काफ़ी कम्फर्टेबल है भाई सीट भी इसकी। और अगर आप खुद भी चलाते हो तो डेफिनेटली सीट यार कंफर्टेबल फील होगी, बिकॉज सॉफ्टर साइड पे है। पिलियन की भी सीट काफ़ी सॉफ्टर साइड पे, वो भी कंफर्टेबल फील होगी। हैंडलिंग जो है इसकी, मैंने बताया, बहुत अच्छी है, मैनूवरिंग कि आप बहुत ज़्यादा सिटी में कंफर्टेबली इसको राइड कर सकते हो, कहीं पर हैवी वेट नहीं तो बहुत लाइट वेट है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग भाई, जो इसकी पोस्चर है बैठने का, सिटिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स आप भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज़ है जो आपको ध्यान देना है इसमें, दैट इज़ भाई कि सीट इसमें पतली है। मैं अभी रुक के वो भी आपको दिखाऊंगा, सीट पतली है तो जिनकी भाई पिछवाड़े थोड़े से मोटे हैं उनके लिए दिक्कत है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे फील हो रहे हैं, आप देख सकते हो, मैं बहुत स्लोली बम्प्स पे निकाल रहा था जस्ट बिकॉज ट्रायल लेने के लिए कि कैसा फील दे रही है बम्प्स पे, बम्प्स फील हो रहे हैं कि नहीं सीट पे, मतलब मेरे को कम्फर्टेबल लग रहा है कि नहीं, लग रहा है डेफिनेटली। जब आप ऐसे बम्प्स के ऊपर से निकालते हो तो आपके मतलब बम सेफ रहेंगे, बम्स के ऊपर आपके बम सेफ रहेंगे भाई, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा आपको झटका लग रहा है उसमें। भाई चलाने में मैंने बताया नो डाउट बहुत बढ़िया है, कोई शक नहीं है बाइक में चलाने में कि कंफर्टेबल ना हो, कंफर्टेबल भी है, मैनूवरिंग भी अच्छी है। देख रहे हो भाई, ऐसे सट सट से मुड़ रही है ना ये बाइक। मैं सोच रहा हूँ भाई, मेरे पास वैसे भी इस टाइम पे कोई बाइक है नहीं मोटो व्लॉगिंग के लिए, यही बाइक ले लेता हूँ, इससे मोटो व्लॉगिंग करता हूँ मस्त, 100 रुपये के तेल में भाई अंधा घूमूंगा, भैंचो इतना अंधा घूमो भाई, कोई टेंशन इस नहीं है। चार्जिंग पोर्ट है, मोबाइल कनेक्टिविटी है भाई, माइलेज है, मैनूवरिंग अच्छी है भाई, मेंटेनेंस इतना लो कॉस्ट है, और क्या ही चाहिए आपको, क्या चाहिए भाई इससे ज़्यादा आपको। इसका एक माइलेज टेस्ट लेके मैं आऊँगा, उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि भाई कुछ नहीं, बस 100 कमेंट्स कर दो कि भैया इस स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का माइलेज टेस्ट दे दो, इसी वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं ले आऊँगा भाई। ओवरऑल मेरे हिसाब से बाइक में जो चेंजेस है बहुत छोटे मोटे हैं, लेकिन वर्थ इट हैं, और इवन दो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत बढ़िया है। एंड अगर ये बाइक पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, कमेंट ऑन करके बताना वीडियो कैसे लगी, और इस बाइक अगर माइलेज टेस्ट देखना हो तो कमेंट करके जरूर बोल देना, माइलेज टेस्ट ले आना तो मैं ले आऊँगा। बाकी इसी तरह किसी नई वीडियो मिलते हैं, टिल देन स्टे सेफ एंड राइट सेफ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।